हेलो दोस्तों दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, शेरू क्लासिक 2022 में मेन फिजिक में जीत चुके हैं सूरज दहिया। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, पहले प्रेडिक्शन की थी सूरज दहिया इस बार शायद जीत सकते हैं गोल्ड मेडल, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। और देखो इनकी वेस्ट देखिए ध्यान से दोस्तों, आपको हम बता दें पीछे बैक स्टेज में ऐसे तैयारी कर रहे हैं हमारे एथलीट जो पीछे खड़े हुए हैं, और इन्होंने अभी स्टेज पे उतरना है। जैसे स्टेज पे उतरेंगे आपको वैसे ही हम अपडेट दे देंगे कौन जीता है या कौन रनर अप रहा है। देखो दोस्तों मैच में कोई भी हारता नहीं है, कोई जीतता है पर कोई सीख के जाता है। सीख के जाना सबसे बड़ी बात है, हारता कोई भी नहीं है, या तो जीतता है या फिर वो सीख के जाता है। ये देखिए हमारे कितने सारे एथलीट यहाँ पे खड़े हैं, और ये कौन है ये कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। 207 नंबर कौन है, ये कौन है कमेंट सेक्शन में बताएं इनका नाम। दोस्तों देखिए हमारे कितने सारे एथलीट हैं, सब ने मेहनत की हुई है, सब ने मेहनत की हुई है, ऐसा कोई भी नहीं है जिन्होंने मेहनत की नहीं की। और देखो सूरज दहिया ने कितनी मेहनत की थी, देखो आपके सामने ये पीछे बैक स्टे में ऐसे जो अपने पूरे वार्म अप कर रहे थे, पूरे अपने मसल पंप कर रहे थे। और देखो जैसे कि आपको हम बताते रहे हैं, आपको अपडेट देते रहे हैं सूरज दहिया की पूरी स्ट्रेटजी कैसी थी, इन्होंने पूरे स्ट्रेटजी के साथ चले। इनको पता था कि इनको नंबर मिलेंगे शोल्डर, जितने ब्रॉड होंगे उसके कॉलर उसके, उन्होंने उस पे ही फोकस रखा। देखिए इन्होंने कैसे अपनी पूरी एक्सरसाइज को किया, बैक मसल को कैसे बिल्डअप किया। देखो ऐसे ये सारी चीज़ें देखें, देखने से पता चलता है कि बड़े बड़े एथलीट अपनी पूरी एक्सरसाइज कैसे करते हैं। और नो डाउट मैंने आपको पहले बता के रखा है, जितनी छोटी वेस्ट होगी इतने आपको ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। और देखो इनकी वेस्ट देखिए इनकी ध्यान से 27 तक है, और आप एक खुद अंदाज़ा लगाएं इनकी कितनी अच्छी मतलब कि फिजिक होगी। दोस्तों जैसे ही कि मैं आपको बताता ही आ रहा हूँ, आप इनके देखो पूरा, देखो इनके पूरे मसल्स देखो, पूरा वेस्ट देखो कितनी छोटी है, और इसलिए तो ये विनर अप हुए हैं। आपको यूं ही अपडेट मिलती रहती है।